तो दोस्तों, क्या आप भी अपने मोबाइल में कॉल रिकॉर्डिंग ऑन करने से डरते हो? क्या आपके फोन में भी कॉल रिकॉर्डिंग ऑन करते ही गूगल डायलर वाली दीदी सच्चाई की पीपड़ी बजाने लगती है, जोर जोर से चिल्लाकर सबको बताने लगती है कि आपकी जो कॉल है वो रिकॉर्ड की जा रही है? क्या आप भी इन दीदी से छुटकारा पाना चाहते हो और इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहते हो? तो अगर मेरे तीनों क्या का जवाब हाँ है तो मेरे दोस्त, आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हो। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपके फोन में गूगल का डायलर है तो आप कैसे बिना किसी को पता लगे आराम से कॉल रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल से स्टेप्स हैं दोस्तों, सिर्फ आपको 10 सेकंड लगेंगे इस चीज़ को करने में। आपको कोई कड़ी मेहनत या संघर्ष करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ इस वीडियो को कंप्लीट देखना है। तो चलिए गाइस, इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। और अगर आप लोगों को दोस्तों आज की वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे या फिर इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी गाइस सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी वीडियोज़ लेके आता रहता हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पर दोस्तों, ये एक फ़ोन है मेरे पास में और ये Realme 7 Pro फ़ोन है। इस फ़ोन में भी दोस्तों आपको Google का ही डायलर देखने को मिलता है और मैं आपको कॉल लगाकर दिखा देता हूँ। तो ये मैंने लगाया कॉल और ये मैंने किया फ़ोन स्पीकर पर और अब मैं कॉल रिकॉर्डिंग ऑन करता हूँ दोस्तों। तो जैसा कि आप लोगों ने सुना कि अनाउंसमेंट हो रही थी रिकॉर्डिंग ऑन करने पर, अभी मैंने ट्रिक अप्लाई नहीं किया है दोस्तों इस फोन में। तो चलिए बताता हूँ कि कैसे आप इस अनाउंसमेंट को बंद कर सकते हो और इन दीदी को चुप करा सकते हो। तो दीदी को चुप कराने के लिए दोस्तों आपको एक गोली देना पड़ेगा और वो गोली आपको प्ले स्टोर पर मिलेगी। तो सबसे पहले आपको अपने फोन में प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद गाइज, आपको सर्च बार में सर्च कर लेना है TTSLEXX, ये लिख के दोस्तों आपको सर्च कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आपके सामने जो है एक एप्लीकेशन आ जाएगा, तो आपको इसको डाउनलोड कर लेना है। ओके, वैसे दोस्तों इस एप्लीकेशन का डायरेक्ट लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से जाके आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद दोस्तों आपको प्ले स्टोर से बाहर आ जाना है। फिर दोस्तों आपको अपने मोबाइल की सेटिंग्स में आ जाना है। ठीक है, उसके बाद सेटिंग्स में ऊपर जो आपको सर्च दिया है उसमें आपको सर्च करना है। क्या सर्च करना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। आपको सर्च करना है टेक्स्ट टू स्पीच। ठीक है, ये लिख के आपको सर्च कर लेना है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आपके सामने इस तरह के कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे, तो आपको सबसे पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गाइज आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों फिर से आपको फर्स्ट वाले ऑप्शन पर ही क्लिक करना है। क्लिक करने पर दोस्तों आपको फिर से दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे। इस बार आपको सेकंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और ओके कर देना है। ठीक है, उसके बाद गाइज आपको सेटिंग्स से बाहर आ जाना है और फिर दोस्तों आपको फोन के ऐप इन्फो में जाना है। ठीक है, ऐप इन्फो में जाने के बाद आपको स्टोरेज यूसेज पे क्लिक करना है। फिर नेक्स्ट दोस्तों आपको क्लियर डाटा कर देना है। ओके, बस दोस्तों यही सारा कुछ करना है, उसके बाद आपका काम हो जाएगा। अब आपको अनाउंसमेंट नहीं देखने को मिलेगी कॉल रिकॉर्डिंग के दौरान। चलिए मैं आपको कॉल करके दिखा देता हूँ। तो ये लगाया मैंने फोन और फिर से फोन को स्पीकर पर कर देता हूँ और अब कॉल रिकॉर्डिंग ऑन करते हैं। सो जैसा कि दोस्तों अब आप लोग देख सकते हो कि अनाउंसमेंट नहीं हो रही है। ठीक है, दीदी चुप हो गई हैं। तो इसी तरह से दोस्तों आप कॉल रिकॉर्डिंग वाली अनाउंसमेंट को बंद कर सकते हो। ओके, और अब भाई को थैंक यू बाद में बोलना, पहले ये ट्रिक अप्लाई करो अपने फोन में। ठीक है, तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।